तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मित्रों अभी कुछ दिन पहले हमने एक डब का एक छोटा बेबी रेस्क्यू किया था, और रेस्क्यू करने के बाद उसका खान पान हमारे पास रहा काफ़ी समय, हमारे पास हमने उसे रखा हुआ था, और अब उसकी जो साइज़ है काफ़ी गेन हो गया है, बड़ा हो गया है। तो अब समय है उसको रिलीज़ करने का, और जो कि हम उसको रिलीज़ करेंगे आपको दिखाएंगे किस प्रकार हम उसे रिलीज़ करेंगे। तो वीडियो बने रहिएगा, जाइएगा मत, दिखाएंगे किस प्रकार उसे रिलीज़ करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, बने रहिए वीडियो में। दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे यही वो बेबी डब है जिसको हमने कुछ समय पहले रेस्क्यू किया था, और रेस्क्यू करने के बाद इसको हमने काफ़ी समय अपने पास रखा। उस वक्त इसकी कंडीशन ये थी कि खुद से इसको दाना भी नहीं खाना आता था, और हमने इसे हैंड फीड कराई है अपने हाथों से, और अभी भी ये थोड़ा चुगना स्टार्ट कर दिया है इसने। आज हम इसे चेक करने आए हैं, अगर ये उड़ने में सक्षम होगा तो इसको हम यहाँ बिल्कुल रिलीज कर देंगे, और आगे देखते हैं क्या होता है। तो ठीक है दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो में, पूरा कवरेज आपको दिखाएंगे हम किस प्रकार से रिलीज़ करेंगे और कैसे जंगलों में छोड़ देंगे। तो ठीक है दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो में। तो चलो मेरे नन्हे दोस्त बाहर आ जाओ, तुम्हारे बाहर आने का समय हो गया है, आज तुम्हें आज़ाद करने के लिए आए हैं। तो थोड़ा प्रयास करें यहाँ बाहर निकल के। आजा आजा भाई, बाहर आजा, और ये देखो, अरे उधर से नहीं, इधर से ही आजा मेरे भाई, ले आजा इधर, निकलो मेरे दोस्त, और ये निकल भाई। दोस्तों कुछ ही सेकंड का समय और निकलने ही वाला है, और ये आ गया बाहर। तो जाओ भाई, आजाद हो तुम। अरे वाह मेरे नन्हे परिंदे, वाह क्या खूब उड़ान भरी मेरे भाई। दोस्तों देख सकते हैं इसको रिलीज हमने कर दिया है, तो वहाँ जाकर ये गिर गया है, आपको दिखाएंगे। और ये देख सकते हैं आप, थोड़ी छोटी उड़ान भरने के बाद ये नीचे सर्वाइव नहीं कर पाया और नीचे आ गिरा, जैसा कि आप देख रहे हैं। मैं दिखाता हूँ, ये देखिए ये बैठा हुआ है यहाँ पे। चलिए कोई बात नहीं, एक बार फिर से कोशिश करते हैं, इसको फिर से उड़ाते हैं। और ये देखिए ये मैंने पकड़ लिया। दोस्तों एक बार फिर से ट्राई करते हैं हम यहाँ पर, ये देखिए सामने आवाज कट रखी है, और एक बार फिर से रेडी। तो भाई एक बार फिर से कोशिश करते हैं, देखते हैं तो सर्वाइव कर पाएगा इस बार। नहीं नहीं दोस्तों, आप देख रहे हैं सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि अभी ये रिलीज़ करने के लिए तैयार नहीं हुआ है, और अभी इसको थोड़ा और सपोर्ट करना होगा हमें, और कुछ दिन और अपने पास रखना होगा। एक बार फिर से ट्राई करता हूँ मैं, आप देख सकते हैं, और ये यहाँ पर ऑलरेडी उड़ने के लिए, जी हाँ वो कोशिश कर रहा है मगर उड़ने की कोशिश कर रहा है मगर उड़ नहीं पा रहा है। तो अभी ये एक बार फिर से मैंने इसको थोड़ा सा अपने पास से सपोर्ट दिया, और फिर से नीचे आ बैठा। तो दोस्तों ठीक है कोई बात नहीं, इसको लेकर चलते हैं, हम अपने साथ लेकर जाएंगे उसको अपने पास कुछ दिन और रखेंगे, उसके बाद फिर से रिलीज़ कर देंगे इसे। दोस्तों साथ ही में मैं एक बात और कह दूँ, आप लोग हमें इसी प्रकार सपोर्ट करते रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दिया करो, ताकि हमारा अभियान और हमारा जो काम है ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, और लोग बाग इस अभियान के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हों, ताकि वो समझ सकें कि हम पक्षियों को बचाने का कार्य कर रहे हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए, साथ में वीडियो को लाइक और शेयर तो ज़रूर कर दीजिएगा, जैसा मैंने आपसे भी बोला। तो ठीक है दोस्तों, इतना ही सहयोग, इतनी सपोर्ट आपसे चाहिए। दोस्तों जैसा कि आपने देखा, हमने रिलीज़ करने की कोशिश की, मगर अभी उड़ने में ऐसा है, ये लगता है थोड़ा समय और इसे हमें देना पड़ेगा, अपने पास रखना पड़ेगा, और इसकी केयर अभी कुछ दिन और करनी पड़ेगी, थोड़ा और इसका ग्रोथ हो जाए और थोड़ा और बढ़ जाए, फिर इसे रिलीज़ करेंगे हम। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने तो काफ़ी टाइम उड़ाने की कोशिश की काफ़ी बार, मगर उड़ नहीं पाया। मित्रों मैंने कंटिन्यू इसको उड़ाने की कोशिश की है, आप कभी ये नीचे गिर जाता है, तो कभी इसका जो है एकदम से जो पंखे वो ब्रेक हो जाते हैं, तो बड़ी समस्या हो रही है उसमें। तो ठीक है दोस्तों, कोई नहीं, इसकी हम कुछ दिन उपचार करेंगे, उपचार करने के बाद आपको बताएंगे किस प्रकार ये हम इसे रिलीज़ करेंगे। तो और साथ ही से हमने रखेंगे तब तक अगली बार रिलीज़ करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद दोस्तों।